हाय गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन तो भाई मेनी कंग्रेचुलेशन फैंस इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को एट uh, विकेट से हरा दिया है फर्स्ट ओडिया तो तो था वन थर्टी शुरू हुआ था हमने सोचा नाइन तक तो ये मैच होगा उसके बाद मैच खत्म होते ही हम लाइव सेशन चले जाएंगे अपने व्यूअर्स के साथ लेकिन 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 द इंडियन टीम डिसाइडेड टू सरप्राइज अस अर्शद एंड ही टुक फाइव विकेट अवेशान टुक फोर विकेट एंड बड़े ही नो, इन अ वेरी मैनर जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप था लाइनअप ऑफ साउथ अफ्रीका वो ढेर हो गया हंड्रेड एंड सिक्स रन पे तो अशदीप विदाट हॉल मेनी कंग्रेचुलेश अवेशान सरप्राइजिंगली विदोर विकेट हॉल उन्होंने भी काफी अच्छी बोलिंग की बेत ही गंगा में अपनी हाथ थोड़ा धो दिया मुकेश कुमार को भूलना नहीं चाहिए उनका हालांकि जीरो विकेट लग रहा है बट रेजा हेंड्रिक्स उनकी पहली बॉल पे ही आउट थे रिव्यू नहीं लिया गया आउट भी नहीं दिया गया लेकिन वो आउट हो जाते अगर वो रिव्यू होता सो वेल डन फर्स्ट ओवर में रेजा हेंड्रिक्स उनकी बॉल छू भी नहीं पा रहे थे सो मुकेश कुमार ऑल्सो डिड वेरी वेल को एक विकेट रह गई थी कुलदीप थॉट दैट यू नो यार मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ विकेट के मामले में मैं मुझे भी ले रहे हैं विकेट तो कुलदीप ने लास्ट विकेट ले ली तो भाई हंड्रेड एंड सिक्स में इनका काम तमाम हो गया एंड श्योर दैट इंडिया हंड्रेड तो सिक्स करके बनाई लेगी एंड सिक्स पॉइंट फोर ओवर में साई सुदर्शन मेघ हाफ सेंचुरी द वाइस कैप्टन श्रेय अयर मेरा हाफ सेंचुरी एंड ये आराम प्यार सेवर्स में हमने चेस कर लिया है सो भाई अर्जदीप आपको बहुत बहुत एंड थैंक गॉड यू आर बैक इन फॉर्म देखिए मैं ये समझती हूं you know, अशदीप को आउट ऑफ फॉर्म जाने में भी कुछ हमारी गलती है कुछ बीसीसीआई की गलती है जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं हम उनकी एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा उनको गालियां पड़ती हैं एंड यू नो लोग बहुत ज्यादा यू नो उनको उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं विच इज एक्चुअली नॉट राइट एंड देन बीसीसीआई भी उनको कंसिस्टेंटली खिलाता नहीं है एक बार आई रिमेंबर दो साल पहले बहुत सारे उनके नो बॉल्स होने लग गए थे एंड में एंड उनको इमिडिएटली ड्रॉप कर दिया एंड बहुत देर तक चांस नहीं दिया तो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है प्लेयर के दिमाग में एंड देन ही बिकम्स नर्वस आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू लर्न अ लेसन एंड देन टू कम बैक विद डिसिप्लिन बोलिंग बट आई थिंक अशदीप टू डे प्रूव दैट इज नॉट डन येट ही वॉज सीमिंग वेरी हैप्पी उनका पोस्टमेट इंटरव्यू था एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड हैपी ही और दूसरे बंदा जिसको हैप्पी होना चाहिए वो है अवेश खान क्योंकि भाई अवेशान की तो मैं तो बिल्कुल भी बहुत Um, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा वेवर्ड बोलिंग करते हैं इवन इन आईपीएल इवन इन इंटरनेशनल बहुत ज्यादा पिटते हैं बट सम हाउ सम टीम मैनेजमेंट राहुल द्राविड द कैप्टन दे सी सम मेरिट इन हिम सो अवेश कान प्रूव्ड हिज वर्थ उन्होंने आज तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है सो ही यू नो टुक फोर विकेट कुलदीप टुक वन विकेट वन सिक्सटीन पिंक बॉल टेस्ट मैच था जो सारे यू नो स्पेक्टेटर्स आ रहे थे मैं देख रही थी कि कुछ स्पेक्टेटर्स Because, you know, uh Uh, कैसे डिफेंड करना है बॉल उस तरीके के समझा रहे थे देव बार बार कमिंग ऑन उन स्क्रीन उनको कैमरा मैन शो कर रहा था एंड वो uh, प्लेयर्स को बोल रहे थे कि भाई ठहरो डिफेंड करो ठहरो डिफेंड करो तो यार अगर uh, स्पेक्टेटर्स ये बात समझ रहे हैं देन यू नो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को यू you नो know, पूरी टीम छह से आठ प्लेयर इनके जो थे वर्ल्ड कप के टीम के प्लेयर्स खेल रहे थे एंड वर्ल्ड कप में तो ये डेडली टीम थी चार सौ की रन बना रही थी आज हमें लगा कि अवेश मुकेश एंड अर्जदीप तो भाई बहुत पिटेंगे लेकिन यार दीज गाइज विद द पेस बोलिंग द इंडियन पेस बोलिंग इन्होंने हमें बहुत बहुत इंप्रेस किया है एंड मेनी कंग्रेचुलेशन टू द द बोलिंग कोच ऑफ इंडिया ही हैज ग्रूम द गाइज वेल ही इज गिवन दम कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक वेल बिगन मे बी जस्ट हाफ डन सो अगर हम उम्मीद कर सकते हैं मेरी तो देखिए कोई उम्मीद नहीं थी मैं टू वन इंडिया की लॉस की प्रोडिक्शन मैंने की हुई है बट हम एक मैच जीत गए हैं तो भाई एक और मैच जीतना है बस एक और मैच जीतना है क्योंकि नाइनटीन नाइनटी से अभी तक हम सिर्फ एक सीरीज जीते हैं ओडीआई वाली यू नो you know, विराट कोहली के अंडर जो हम जीत पाए हैं उसके अलावा हम इतनी सारी सेवन टू एट सीरीज हम हार गए हैं सो वी हैव हैव टू टू यू नो करेक्ट दिस दिस लूजिंग स्प्री एंड वी विन सो राहुल बेटर बकल अप आज जैसे अपनी परफॉर्मेंस दी है आपके बोलर्स ने इवन योर बैटर्स यू नो डेब्यूट साई सुदर्शन मेड अ हाफ सेंचुरी ही लुक्ड गुड ऋतुराज थोड़ा सा यू नो आउट हो गए बट uh, एंड

इतने भी तेज नहीं रही है कि बैट ही हाथ से उतर उठ जाए एनी वेज इट वॉज एन एक्साइटिंग डे for Indian cricket, but we cannot say that for Pakistan cricket because Pakistan 360 runs से हार गया है उसके लिए हमने अलग video की थी and in fact जब मैं video start की थी तब वो एट wickets down थे but जब तक मैंने वो video end की तब तक वो all out हो गए थे बहुत ज़्यादा criticism हो रही है Hafiz का post match interview भी आया है and uh, you know he said that our boys are good enough to win a test match and next test match uh, जीतने के लिए उनमें काफी capability है

प्रेस uh, कॉन्फ्रेंस में कह दिए हैं बिकॉज इतनी शर्म ना हुई है तो यार कुछ तो बोलना ही है पब्लिक को यू you नो know, एकदम uh, शांत करने के लिए कुछ बोलना जरूरी है बट इन आई द केस जो बहुत ही ज्यादा बुरा जो यू नो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की तरफ से वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल इन इन आर नाइट शो जो हम दस दस बजे करते हैं उसमें हम उसकी डिटेल में बात करेंगे शान मसूद ने क्या कहा है उसके बारे में भी बात करेंगे शान मसूद इस मैच में भी आ, काफी पॉजिटिव आउटकम्स बता रहे हैं तो उस बारे में हम जरूर बात करेंगे बाबर आजम की भी हम बात करेंगे क्योंकि उनका जो अवे का एवरेज है एंड अवे की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पुअर है इसके अलावा द बांग्लादेश बॉयज अंडर 19 बॉयज हैव वन द एशिया कप फाइनल यू से वो जीत गए हैं बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए हैं तो मेनी कंग्रेचुलेशन टू द बांग्लादेशी बॉयज कल बांग्लादेश वुमेन जीती थी बड़े मार्जिन से आज बांग्लादेश बॉयज जीत गए हैं बड़े मार्जिन से तो उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से बट सबसे अच्छी न्यूज तो यही है इंडिया जीत गया मैच एंड uh, अच्छे से जीत गए ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोग uh, जो हमारे मेन प्लेयर्स मिसिंग थे एक और न्यूज आ रही है दैट ईशान किशन हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज ड्यू टू पर्सनल रीजन्स तो अभी इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जस्ट दस मिनट पहले पंद्रह मिनट पहले यह न्यूज आई है मेरे शूट करने से सो so, अगर उस पर कोई डिवेलपमेंट होती है तो वो हम देखिये रात के शो में डिस्कस करेंगे बट वी हैव टू अंडरस्टैंड शामी हैज ऑप्टेड आउट इज अपेरेंटली गॉट एन इंजरी बट पता नहीं वो कैसी इंजरी है उनकी देन इन्होंने ईशांत किशन ने पर्सनल रीजन से ऑप्ट आउट कर लिया है रोहित शर्मा के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है सो so भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट देन विराट कोहली इज देयर आर किंग इज देयर एंड हम होप करेंगे दैट विराट कोहली कुछ यू uh, नो you know, टीम को संभालेंगे हमको यू नो ये अश्योरेंस देंगे कि यस yes, हमारी बेजती जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बेजती करा लिया ऑस्ट्रेलिया में उस तरीके से इंडिया अपनी बेजती नहीं करवाएगा सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट बट अभी दो ओडीआई के मैचेस हैं तो वो भी देखे जाएंगे एक 19 को है जिस दिन ऑक्शन डे है एंड एक ट्वेंटी को है तो दैट इज द थर्ड ओडीआई तो हमें ट्राई करना है नाइनटीन को सीरीज जीतने के लिए दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सो ऑन दैट नोट आई क्लोज दिस वीडियो नाउ हम रात के शो में डिस्कस करेंगे ऑल द क्रिकेट एक्शन दैट इज हैपेन्ड एंड ऑब्वियसली विल ऑल्सो टॉक अबाउट द हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा सौगा विद द मुंबई इंडियंस सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इनकेस आपके कोई कमेंट्स है ऑन द इंडियन विन तो आप नीचे जरूर लिखिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर